ना तो वो अपनी खुशियाँ मुझे दे देंगे, ना अपने गम मुझे दे देंगे। ना मैं अपनी खुशियाँ किसी को दे सकती हूँ, ना अपने गम किसी को दे सकती हूँ। तो जैसा खुद को फील होता है ना अपने दुख में कि भैया ये कैसा दुख होता है ना, तो मैं नहीं चाहती कि कोई किसी भी तरह के दुख से मेरी वजह से कम ना जाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। और बहुत अच्छा धूप हो रहा है छत पर, तो एज़ यूज़ुअल हमेशा की तरह मैं फिर से छत पर आई हूँ और आप लोगों के साथ बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। बाकी ये देखिए, मैंने आज ही ड्रेस पहना, दिखाऊँ आप लोगों को कैसा है प्रॉपर? ये देखो, ये मेरा सूट, ये देखिए, ऐसे करके देखिए, चाहे ये देखो, ये अच्छा है ना, अच्छा है ना। तो ये जो सूट है ना, ये मैंने अपनी, मेरी एक बहुत ही मोस्ट फेवरेट साड़ी हुआ करती थी, प्लेन ये साड़ी थी मेरी, जिसको कि मैंने सूट में कन्वर्ट करा दिया। तो फिर से ट्राई करूँगी अगर ये साड़ी मुझे मिल सके कहीं मार्केट में, क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, प्लेन थी और बहुत अच्छा लुक आता था इसमें। बट ठीक है, मन था कि एक इस तरह का एक सूट बनवाऊँ। सूट के एक तरह से गाउन ही है ये प्रॉपर, दुपट्टा मैंने अलग से लिया है, ये इसको वाइट कलर का लिया था और डाई करवाया है इसको ग्रीन कलर में, तो ये बहुत अच्छा लुक देता है इस पर। तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है ये कुर्ता मेरा। पूरी साड़ी बर्बाद कर दी मैंने है, बट इट्स ओके, कभी कभी मन का कहा भी कर लेना चाहिए। तो बस यही देखिए, यहाँ पर ये मैं ऐसे बैठी हूँ, यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर आ जाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो बना के धूप सेक कर, और फिर मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से गप्पी शप्पी करूँगी, है ना। तो थैंक यू सो मच, सबसे पहले लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे 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 कमेंट सबने करे, बहुत सपोर्ट किया आप सभी ने, उसके लिए दिल से थैंक यू आप सभी का। और जिसको मुझे जो बोलना था वो मैं बोल चुकी हूँ, और बाकी आप लोग के हाथ में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और तो क्या करूँ मैं, इतना ज़्यादा मतलब डेली व्लॉग्स तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि रीजंस हैं एक्चुअली कि इतना ज़्यादा, एक तो टाइम नहीं हो पाता है और प्रॉपर एक एक चीज़ को दिखाना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को थोड़ा बहुत मेरे घर का व्यू, दिखाती हूँ, कहीं मेरा फ़ोन ही नीचे ना चला जाए। है ना, देखती हूँ पापा बैठे होंगे अगर नीचे में, तो आपको मैं यहाँ से अपने पापा, हाँ देखिए यहाँ पर लोग बैठे हैं नीचे में, अगर आप लोगों को दिखाई दे तो। ये मेरी फ्रेंड पीछे से, पीछे में मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे कह रही है गिर मत जाना। सही सलाह दे रही है, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ों के लिए रिस्क उठाना पड़ता है। बट मैंने पैरों को इस बॉर्डर से पकड़ लिया था, तो रिस्क नहीं था, जान है तो जहान है ना। तो इसीलिए, तो बस, और तो क्या ही बताएं आप लोगों को, सब कुछ पता ही है, मोस्टली चीज़ें मेरे बारे में आप लोगों को पता चल चुकी हैं, तो इसलिए कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ये सूट बहुत प्यारा लग रहा है, लुक अच्छा, और हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनी है आज मेरी छत पर, यहाँ पर हवा चले ना तो धूप का मज़ा अलग ही आता है। ये अच्छा लग रहा है ना, देखिए दुपट्टा कितना प्यारा उड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच, एक्चुअली मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाई है आप लोगों का थैंक्स बोलने के लिए, कि जो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे, इतने सपोर्टिव, इतने ज़्यादा अच्छे, कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे रियली में देखकर, कि क्या लोग सच्ची में मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, कि क्या मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ अच्छा किया है कि लोग मेरे लिए दुआएँ करते हैं। मतलब काफ़ी लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स में दुआएँ दी हैं, और इतना अच्छा अच्छा और एक लेडी ने, सॉरी मैं आपको नाम में याद नहीं कर पाई, आपने कहा कि मैं आपकी इंस्पिरेशन हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप मुझसे भी अच्छा कुछ लाइफ में करें, और भी बेटर आप लोगों की लाइफ हो, और भी ज़्यादा जो आप लोग चाहते हैं आप लोगों को मिले,
और मैं तो हमेशा ही सबकी मदद करती हूँ यार, मदद इन द सेंस कि मतलब पैसों की मदद की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कि जैसे मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में या किसी भी तरह में कोई मुझे मिलता है जो कि मुझसे सपोर्ट मांगता है अगर, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि वो लोग भी बढ़ें आगे, वो लोग और भी अच्छा करें, मुझसे भी अच्छा करें बल्कि। तो मैं तो हमेशा लोगों को अच्छा सोचती हूँ, पता नहीं क्यों लोग, कुछ लोग मेरे लिए क्यों नहीं अच्छा सोच पाते हैं कि अगर सबकी दुआएं मेरे साथ होंगी तो और भी अच्छा सब कुछ होगा। तो मैं तो अपने दिल से या सबके लिए रियली मैं सबके लिए चाहती हूँ कि सब आगे बढ़ें लाइफ में। मैं बल्कि इंकरेज करती हूँ सबको कि तुम करो इस चीज़ को, तुम्हारे अंदर जो चीज़ है तुम उस चीज़ को दिखाओ, बल्कि जो अच्छा कर सकते हो वो अच्छा और दिखाओ। फिर भी इट्स ओके, जिंदगी है, लाइफ है, ये दुनिया है, ये ऐसी ही है दुनिया। और आज से नहीं, ये तो शायद भगवान सबके टाइम से भी इस तरह से चला आ रहा है। भगवान सबके टाइम में भी बहुत उन लोगों को भी दिक्कतें होती थी, राम थे तो कैकेयी, वो कैकेयी तो थी ही, कैकेयी को तो कुछ नहीं बोल सकते, मतलब वो मंथरा ही थी ना, हाँ मंथरा भी थी है ना, कृष्ण थे तो कंस भी था। तो इसीलिए भगवान के टाइम पे भी दिक्कतें तो सबको आई हैं, फिर हम तो फिर भी बहुत ही साधारण से इंसान हैं, तो हमारी लाइफ कैसे मतलब स्मूथ चल सकती है, नहीं चल सकती। हमारी लाइफ में भी कुछ कंस होंगे, कुछ रावण होंगे है ना, कुछ मंथराएं होंगी, कुछ शूर्पनखाएं होंगी, तो लाइफ है, चलता है ना। जैसे उन भगवान सब ने चीज़ों को हैंडल किया, और हम भगवान तो नहीं बन सकते, उनकी जैसी बुद्धि तो हमारे में इतनी सी भी नहीं है, चन्नी सी भी नहीं है बुद्धि, लेकिन हम उनको देख के कुछ इंस्पिरेशन लेकर कुछ सीख तो सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, जो उन्होंने किया कोशिश कर सकते हैं। तो वही चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, जितना हो सके मुझसे मैं फॉलो करती हूँ। अरे मैंने तो काफ़ी लोगों ने मेरे साथ इतना ज़्यादा वैसी चीज़ें की हैं, बुरी की हैं, मेरा बुरा इतना चाहा है, मैं फिर भी उनको दिल से दुआएं देती हूँ। मैं फिर भी कभी मेरे मुंह से ना गलती से भी नहीं निकलता कि कुछ गलत हो उनके साथ। मैं हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, हमेशा चाहती हूँ कि सब अपनी लाइफ में खुश रहें, क्योंकि ना तो वो अपनी खुशियाँ मुझे दे देंगे, ना अपने गम मुझे दे देंगे, ना मैं अपनी खुशियाँ किसी को दे सकती हूँ, ना अपने गम किसी को दे सकती हूँ। तो जैसा खुद को फील होता है ना अपने दुख में कि भैया ये कैसा दुख होता है ना, तो मैं नहीं चाहती कि कोई किसी भी तरह के दुख से मेरी वजह से तो कम से कम ना जाए। तो इसीलिए बाकी तो क्या ही बोलें। और काफ़ी दिनों से मन था, मेरे पास कुछ बहुत अच्छे अच्छे मेरे ड्रेसेस थी जो कि कोलैबोरेशन के लिए आई थी, और वो मैं मतलब काफ़ी ड्रेसेस होती है मैं नहीं पहनती हूँ, जो मतलब मैं रेगुलर में नहीं पहनती वो कपड़े, बट कोलैबोरेशन के लिए होती हैं तो ऐड तो करने पड़ते हैं, उनका काम तो करना पड़ता है, मतलब कपड़े इन द सेंस कि जो मुझे अपने ऊपर अच्छे नहीं लगते, जैसे कुछ लूज़ वो होते हैं ना गाउन्स होते हैं, मैं शॉर्ट ड्रेसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि जैसे कुछ गाउन होते हैं ऐसे डिज़ाइंस के ना, वो मुझे पसंद नहीं आते। मुझे सिंपल सोबर कुछ अच्छा सा, कुछ डिफरेंट लुक की जिसमें कि अच्छा लगे इंसान, कुछ भी पहन लेना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं बहुत ही चुन के चीज़ें लेती हूँ, बहुत ही सिलेक्टेड चीज़ें होती हैं मेरी, तो कम दाम में अच्छा काम, वो वाला हिसाब है मेरा। तो कुछ कपड़े थे मेरे पास जो कि मैं नहीं पहन रही थी, बट कोलैबोरेशन के थे नए, तो अभी कुछ दिन पहले मेरी मेड आई थी घर पर, तो उसको ज़रूरत थी, उसकी बहू को ज़रूरत थी है ना, तो मैंने उनको वो कपड़े दे दिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े थे। बट वो सबसे बड़ी बात है ना कि वो पहनेंगे, वो दिल से पहनेंगे उस चीज़ को, ये नहीं कि उसको भी कहीं वेस्ट कर दिया, पहनो उस चीज़ को, आप यूज़ करो, तो वहाँ देने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने उनको वो कपड़े दिए और बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी वो, और बस यही सब चल रहा है ज़िंदगी में। व्यू कितना अच्छा आ रहा है यार, कितना सुंदर लगता है छत के ऊपर वीडियो बनाना, आसमान देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ये बोलते हैं ना ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसकी खूबसूरती कोई नहीं छीन सकता, हमारी आपकी खूबसूरती तो छिन जाएगी वक्त के साथ, लेकिन इसका वक्त कभी खराब भगवान करे
बहुत ही खूबसूरत रहे हमेशा ही ये इन्वायरमेंट, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे देख के ना मन कर रहा है बस आंखें बंद करके यहाँ ऐसे सो जाऊँ लेकिन सो नहीं सकते। आज एक्चुअली मॉर्निंग में क्या हुआ कि मेरा मैं ये बात बाद में बताऊँगी, बहुत लंबा वीडियो हो गया, आप लोग देखोगे ही नहीं पूरा चलो मैं कोई नहीं, फिर किसी व्लॉग में इस कुछ बात करेंगे ऐसी। ओके, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मुझे और भी ज़्यादा हिम्मत देते हैं अच्छा करने का। तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, और लास्ट वीडियो में तो दिल जीत लिया आप लोगों ने, सच्ची बता रही हूँ। मतलब मैं इतनी इमोशनली मैं ना रोने लग गई थी कमेंट्स पढ़कर कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दिल से बता रही हूँ, थैंक यू दिल से सभी का। और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे, मेरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे शुभचिंतक हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझे इस चीज़ को लेकर, उस वीडियो को लेकर मुझे बात करी है और मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली उन सब ने मुझसे। तो बहुत अच्छा लगता है कि अकेले नहीं है ये देखकर अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बाय।